कृष्ण टूअल, दिस इज मी योगेश विथ यू। टुडे आई एम हेयर टू डिटेल फ्रॉम फॉर माय दिस कैंप जीटू सर, दैट जीटू सर अरेंज फॉर अरेंज इन साडरा। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस कैंप वी गेट देयर आर सो मेनी एक्टिविटी लाइक वर्ड स्टीलिंग एंड देयर आर मेनी मोर एक्टिविटी दिस डेबिट वर्ड स्टीलिंग एंड एक्टम्पोर। एंड इन दिस एक्टिविटीज आर ब्रेन इज डेवलपिंग। एंड द सेकेंड थिंग, जीतू मिस्टर जीतू सर इज डेवलपिंग आर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। दिस स्किल इज हेल्प अस, दिस स्किल इज हेल्प अस फॉर स्पीकिंग फ्रंट ऑफ ऑडियंस। लाइक दैट यू आर स्पीकिंग फ्रंट ऑफ ऑडियंस इन योर स्कूल, सो यू हैव समथिंग दैट हेजिटेशन दैट कम इन योर माइंड, दैट्स वाई यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। वैन यू लर्न पब्लिक स्पीकिंग प्रॉपरली, सो योर हेजिटेशन इज गो, देन you can speak front of people in good language and you can understand him your thinking, like your ideas, which kind of ideas you have. Next, Mr. Jitur sir is developing your english is international language that help you in any international trade and any competitive exam and job. That's why English speaking is very important for you. And next thing that Jitu sir is developed, that is your thinking power. Thinking power is most important in your life, because when you have a thinking power, you can think good. Then when you are think good, so ideas automatically come in your mind and you can become successfully easily. मैं अभी हिंदी में समझाना चाहूँगा। तो जीतू सर का ये जो कैंप है, इसमें हमको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें हमको नई नई ब्रेन एक्टिविटी भी करवाई जाएंगी, जैसे कि वर्ड स्टीलिंग, जिसमें हमको सामने वाले के आइडियाज़ को चुराना होता है, किसी एक विषय को लेना होता है, उसको चुराना होता है। दूसरी एक्टम्पोर, इसमें सर हमको कोई भी टॉपिक देंगे और हमको उस पर बोलना है, जिससे हमारी थिंकिंग पावर बहुत डेवलप होती है। और एक और एक्टिविटी होती है जिसका नाम होता है थिंकिंग एक्टिविटी। थिंकिंग एक्टिविटी में हमको सोचना पड़ता है, सर पहले हमको टॉपिक देते हैं और फिर हमको उस पर बोलना पड़ता है, फिर हमको सर पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के जरिए आप आपके स्कूल में आपके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप आपके स्कूल में स्टेज पर आ सकते हैं और बड़ी से बड़ी लेवल पर पहुंच सकते हैं, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपको सर इंग्लिश सिखाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश के द्वारा हम कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कर सकते हैं, इंग्लिश के द्वारा हम अपना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जॉब चला सकते हैं। लाइक हम किसी विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अपनी जो जॉब कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए इंग्लिश ज़रूरी होती है। और फिर ऐसी कई सारी स्किल हैं, लाइक कन्वेंसिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारी स्किल हैं जो जीतू सर हमें सिखाएंगे। थैंक यू।